हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो वीडियो है वो है टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2021 को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2021 जिसमें आईटीआई धारी काफ़ी टाइम से मांग कर रहे थे कि टेक्निकल हेल्पर की भर्ती राजस्थान सरकार निकाले, क्योंकि बजट घोषणा 2019-20 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा की गई थी 6,000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती निकाली जाएगी। लेकिन हुआ क्या, टेक्निकल हेल्पर के 6,000 पद यहाँ पर रिक्त थे। पहले तो बीडी कला, जिससे अब 3 से 4 महीने पहले बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी के द्वारा जब मुलाकात की गई थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हमारे पास टेक्निकल हेल्पर का एक भी पद रिक्त नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद अखबार में खबर छपी कि सरकार की पूरी तरह से मंशा है, सरकार का इरादा है कि टेक्निकल हेल्पर के पद, जो भी बिजली बोर्डों के जो भी टेक्निकल हेल्पर के पद हैं, उनको ठेके पर दे दिया जाए। तो इसी को जैसे ही युवाओं को भनक लगी, बेरोजगारों को भनक लगी, लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार को घेरते रहे। इसी का नतीजा था कि 2 से 3 महीने पहले बीडी कल्ला जी ने कहा था 6,000 पद यहाँ पर बिजली बोर्डों में रिक्त थे। तो लगातार ये आवाज़ उठाई जाती कि 6,000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जल्द से जल्द जारी की जाए, क्योंकि जो पिछली बार विज्ञप्ति जारी हुई थी 2018 में, 3 साल पहले विज्ञप्ति जारी हुई थी 2,433 पदों पर। लेकिन अब जैसे ही कल पूरी तरह से दबाव में, पहले तो अधिकारियों के द्वारा साफ इनकार कर दिया था कि हमारे पास टेक्निकल हेल्पर का भी फिलहाल कुछ भी पद नहीं है, हम वैकेंसी नहीं निकाल सकते। लेकिन युवाओं के साथ खड़े थे उपेंद्र यादव जी। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी बेरोजगारों के साथ खड़े थे और उन्होंने पूरी तरह से दबाव बनाया सरकार के खिलाफ। आप देख चुके हैं उपचुनाव में भी वो कैंडिडेट अपने उतार चुके थे, उसके दबाव में राजस्थान सरकार की जो सरकार है उसको धीरे धीरे वैकेंसियों को वापस अनलॉक करना पड़ा। तो उपेंद्र यादव ने साफ साफ कहा था कि आपको विज्ञप्ति तो जारी करनी ही पड़ेगी, और उसी पे के दबाव के चलते हुए कल आपने देखा होगा 1512 पदों पर, जब इसकी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास पहुंची कि युवाओं की लगातार मांग है कि टेक्निकल हेल्पर की भर्ती निकाली जाए, तो कल उपेंद्र यादव जी के साथ जब अधिकारियों की मीटिंग थी तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि टेक्निकल हेल्पर के अभी जितने भी पद हो सके उतने निकाले जाए। तो फिर स्वीकृति मिली आपके 1512 पदों पर स्वीकृति मिली। अब आपके 1512 पदों पर स्वीकृति मिली है तो आपके दिमाग में होगा अब इसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, क्या पदों में बढ़ोतरी की जाएगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पदों में बढ़ोतरी को लेकर के उपेंद्र यादव जी ने साफ साफ कल कहा था कि 5300 पद और अभी राज्य सरकार के पास रिक्त हैं, बिजली विभागों में रिक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, हमें उपेंद्र यादव जी का साथ देना है, हमें उनके साथ खड़ा होना है, तभी जाकर के आपके जो 6,000 पदों की जो आपकी इच्छा थी कि 6,000 पदों पर आपकी मांग थी वो पूरी मांग हो पाएगी। उपेंद्र यादव जी ने साफ कहा कि अगर युवा हमारे साथ खड़े रहेंगे तो 100% आपके पूरे पद यहाँ पर, मैं पूरे पदों पर विज्ञप्ति जारी करवा करके रहूँगा। और रही दोस्तों 1512 पदों पर विज्ञप्ति, तो आपके 1512 पदों पर जो विज्ञप्ति है वित्त विभाग से स्वीकृति मिली, क्योंकि वित्त विभाग में 6,000 पदों की फाइल गई थी, लेकिन वित्त विभाग के द्वारा अभी 1512 पदों पर ही इसकी स्वीकृति दी गई है। तो आपकी विज्ञप्ति है वो आपके जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त माह में आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन उपेंद्र यादव जी ने कहा है कि पूरे 5,000 से लेकर के 6,000 पदों पर ही आपकी विज्ञप्ति जारी करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आपके पदों में जो बढ़ोतरी की मांग है दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पर अगस्त आते आते आपके पूरे पदों पर ही आपकी विज्ञप्ति जारी की जाए। अगर 6,000 पदों पर भी नहीं की जाती है तो भी 3 से 4,000 पदों पर तो आराम से की जा सकती है, क्योंकि आपने देखा हो जब 2018 में ही 2,433 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई, तो 3 साल बाद विज्ञप्ति आ रही है। तो 3 साल पहले जब 2,433 पदों पर आप विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, तो अब 3 साल बाद आप 1512 पदों पर ही क्यों विज्ञप्ति जारी कर रहे हो, ये तो सोचने की बात है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा राजस्थान दूसरे नंबर पर बेरोजगारी पर आ चुका है। तो हमारी मांग है, युवाओं की मांग है, उसके अलावा उपेंद्र यादव जी की मांग है कि पूरे पदों पर ही विज्ञप्ति जारी की जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का हमारा यही मकसद था कि हमें उपेंद्र यादव जी का पूरी तरह से साथ देना है, ताकि पूरे पदों पर जितनी हमारी मांग थी पूरे पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाए। क्योंकि एक तो गहलोत सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, ये भी दोगलेपन की नीति अपनाती है। एक तो ये केंद्र सरकार को घेरती है और बोलते हैं कि रेलवे के पद खत्म किए जा रहे हैं, उसके अलावा जो नवरत्न है उनके पद खत्म किए जा रहे हैं, एसएससी के पद खत्म किए जा रहे हैं, वहाँ पर तो ऐसे बोलते हो, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, खुद यहाँ पर टेक्निकल हेल्पर सहित इन पदों पर कटौती कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द आप
उपेंद्र यादव जी का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपेंद्र यादव जी के साथ जुड़ें। हमें जो भी करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखा होगा आपको कोरोना की लहर भी खत्म होने वाली है, तो अब खुद हम धरातल पर जाकर के अब आंदोलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था, हमें संगठित रहना है, साथ में उपेंद्र यादव जी के साथ हमें रहना है, उनका साथ देना है, ताकि हमारी जो मांग है 6,000 पदों की वो जल्द से जल्द पूरी हो सके दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।